काम महसूस हो रहा है आपको अभी? फायदा पाए हाँ। और मैं क्यों? ग्रीन वैली की तरफ और ग्रीन वैली की सफारी कराते हैं। चलिए चांदपुर। ओके, यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग चांदपुर घूमने आते हैं, रेगुलर घूमते हैं और यहाँ पर एंजॉयमेंट करने के साथ में अभी नया साल का कुछ सिस्टम दिख रहा है, तो नया साल के सिस्टम में काफी लोग यहाँ पर आके एंजॉयमेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं संजय पारदीप वैलेंटाइन वी लर्निंग और एस पी कलर्स व्लॉग में आपका सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ से चांदपुर की सफारी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर दिखाया जाएगा कि चांदपुर हम आए कहाँ से और किस तरीके से चांदपुर पहुंचा जाता है और चांदपुर है कहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक सोचने वाली बात सबसे ये है कि सब लोगों को ये तो मालूम है गोंदिया भंडारा जिला पूर्व में, पूर्व दिशा महाराष्ट्र के सबसे लास्ट में है, लेकिन यहाँ पर है क्या, ये सब चीज़ें लोगों को मालूम करने की जो चीज़ें हैं ये हम कर रहे हैं। तो हमारा एक ही बोलना है कि आपके हर नए प्रॉब्लम के लिए नया सोल्यूशन लेके आना और गोंदिया जिले के हर एक टूरिस्ट प्लेस की आपको सफारी कराना ही हमारा काम है। तो बस ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, ये काम आपका है। तो चलिए अभी हम आपको हमारी सफारी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप चांदपुर कितना प्यारा है और इस चांदपुर की इंफॉर्मेशन पूरे इंडिया तक के पहुंचना चाहिए। देखिए कुछ बच्चे मेरे साथ में राजस्थान से भी जुड़े रहते हैं, ये राजस्थान के हमारे जो बच्चे हैं यूट्यूब पे हमारे साथ में, इनको भी हमारे महाराष्ट्र के अंदर में कुछ नई चीज़ें हैं ये देखने को मिलना चाहिए। कुछ बच्चे महाराष्ट्र के कोकण किनार पट्टी से हैं, वो देखिए वो तो रेगुलर ही देखते रहते हैं कि ये सब प्लेसेस उनको ऐसे देखने को मिलते हैं, लेकिन ये देखिएगा छोटा सा जो झील का रूप है। ओके, तो ये जो झील का रूप है ना बहुत ही प्यारा लग रहा है, इसे हम कह सकते हैं जिस तरीके से हम लोग शिमला से निकलते और शिमला से निकलने के बाद में हम कुल्लू होते हुए मनाली जाते हैं तो हम व्यास नदी के किनारे किनारे चलते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल वही नज़ारा हमें यहाँ चांदपुर में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये नज़ारा भी लोगों तक के पहुँचा दीजिए, बस यही हमारा एक आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर पर्यटन का नया एक उद्देश्य रखते हुए गोंदिया और भंडारा जिले के जितने भी पर्यटन स्थल हैं आपके आगे लाने का ये हमारा एक पॉजिटिव उद्देश्य है। और अब हम आपको दर्शन कराने वाले हैं पूरे ग्रीन वैली के। चलिए चलो चलो आगे बढ़ जाएंगे और कुछ फैमिलीज आ रही है, उनको भी हम थोड़ा सा आपसे रूबरू कराएंगे, पूछेंगे उनसे कि उनको यहाँ आके कैसा महसूस हो रहा है। मैडम आप कहाँ से आए यहाँ पर? नागपुर से। थोड़ा हम यहाँ मैडम से भी बात करेंगे। देखिए नागपुर से भी कुछ लोग यहाँ पर घूमने आए हैं, टूरिस्ट लोग, तो मैडम मुझे एक बात बताइए, नागपुर से आप आए यहाँ पर, आने के बाद में आपको महसूस कैसे हो रहा है? अच्छा लग रहा है ना, तरोताजा लग रहा है ना। तो मुझे एक बात बताइए, आपकी इच्छा है ना कि यहाँ ये जो प्लेस है पूरे इंडिया के हर कोने में जाना चाहिए? जाना चाहिए और अच्छा बनना चाहिए। अच्छा बनना चाहिए ना, तो उसके लिए भी हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा एस पी कलर्स व्लॉग करके चैनल है जो पूरे विदर्भ के जितने भी प्लेसेस है, जो टूरिस्ट प्लेसेस, आपने खड़बंदा नहीं देखा होगा, तो खड़बंदा एक है, एक खरोबा करके प्लेस है यहाँ पर, इससे थोड़ा सा दूरी पे, ये सब आपको मालूम नहीं होगा, तो इस चैनल पे सभी हम ये चीज़ें बताते जाते हैं। तो बस इस चीज़ को पूरे इंडिया तक के पहुँचाना ये आपका काम है और आपको विदर्भ की जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनके दर्शन कराना हमारा। वैली का नाम है ग्रीन वैली। ओके, देखिए भाई साहब, मैं तो शिमला जाने के बाद में ऐसी ग्रीन वैली देखा था, लेकिन अभी मैं यहीं पर एक ग्रीन वैली का दर्शन कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर देखिएगा कुछ नए लोग भी आए हैं, भैया का थोड़ा सा दो मिनट बात कर लेंगे, करेंगे भैया बात? नहीं करेंगे। चलिए यार, बड़े शर्मा रहे यार। नहीं, ज़बरदस्ती बात नहीं करना, भैया को शर्मा आ रही है बात करने में, उसमें क्या है, है ना। तो चलिए, चलो कुछ लोग शर्माने वाले मिलते हैं, कुछ लोग बात करने वाले मिलते हैं, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हुए है ना। बेटा आप बात करेंगे? हाँ। कहाँ से आए? सिहोरा से आए। अरे सिहोरा से ही आए यार, चलिए बात करें, पास में है यहाँ पर? हाँ। यहीं के पास के आप? हाँ। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर रोज कितने टूरिस्ट आते हैं? पता नहीं, हम भी रोज नहीं आते। आप रोज नहीं आते? 100-200 टूरिस्ट आते हैं, मीन्स रेगुलर यहाँ पर टूरिस्ट आते जाते रहते हैं ना? आते जाते रहते हैं ना, ठीक है। बताने में कुछ शर्म तो नहीं लग रही है? शर्माना नहीं है? शर्माना है क्या? ओके, अपने जिले को आगे बढ़ाना है ना। हाँ, शर्माना नहीं है। चलिए, तो यहाँ मैडम मुझे एक बात बताइए, आइए इधर थोड़ा सा मैडम से बात कर लेते। मैडम कहाँ से आए आप जी? हम लोग आ जाइए ना सर,
कहाँ से? बालाघाट से। बालाघाट से तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एमपी से भी कुछ लोग आए हुए हैं, बालाघाट से लोग आए हुए हैं। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर ग्रीन वैली में आने के बाद में आपको कैसे महसूस हो रहा है? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना? लग रहा है कि आप एक नेचुरल बहुत अच्छे जगह पर आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ जो बड़े टूरिस्ट प्लेस होते हैं जिनको हिल स्टेशन वगैरह कहा जाता है, उसकी कमी महसूस नहीं हो रही है, है ना? तो ये इंफॉर्मेशन बाहर पहुंचना चाहिए, ऐसे आपको लगता है? तो आप हमें सपोर्ट करेंगे? क्या बात है। देखिए यहाँ पर हमने जो बात किया था थोड़ी देर पहले आपसे शिमला की ग्रीन वैली की, मुझे ऐसा नजारा तो वहां भी नहीं मिला था भाई साहब, ऐसा नजारा वहां भी नहीं मिला था। ओके, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो भैया जी आप बताइए, चांदपुर के जरा करीब है आप, तो मुझे एक चीज बताइए, आप अभी रिटर्न कहाँ से आए? राजौरी से। मैं जेंट के राजौरी से आया हूँ। हाँ हाँ, और ये मैं आज ही आया हूँ यहाँ। हाँ हाँ, आज ही आने के बाद में मुझे पिकअप किए, पिकअप करने के बाद में मैं यहाँ आया। हाँ, आने के बाद में बोले चलो चांदपुर पिकनिक टूर पे मैं आया। आने के बाद में फैमिली के साथ में आया, फैमिली के साथ में फैमिली को बुला लीजिए ना, फैमिली को बुला लीजिए आप, आओ आओ पूरे। हाँ, यहाँ आके कैसा महसूस हो रहा है आपको अभी? बहुत बढ़िया, यहाँ इतनी पब्लिक तो मैं देखा नहीं था। हाँ हाँ, लेकिन आज देखा, बहुत बढ़िया, यहाँ इतनी पब्लिक आई है, क्या बताओ, देख के बहुत, यहाँ का नज़ारा बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सालों के बाद शायद आप आए। हाँ, और मैं जब चौथी में था तब। हाँ, मैं आया था यहाँ पे। हाँ, उस समय देखा था। क्या बात है। हाँ, और अभी का जो नज़ारा देख रहा हूँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है, क्या बात है। देखिए यहाँ पर लोग एक ऑक्सीजन के लिए डॉगी को भी लेके आए हैं यार, क्योंकि लोगों को मालूम है शहरों में ऑक्सीजन की कमी है। एक बार डॉगी का हमको फुटेज दे दीजिए मैडम। यहाँ पर देखिए सर लोग, सर से थोड़ी इंटरव्यू ले लेते हैं। सर कहाँ से आप? नागपुर से हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर नागपुर से भी लोग आए हुए हैं जो कि मालूम है चांदपुर का महत्व जानते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो स्पेशली गोंदिया जिले के लोग हैं या भंडारा जिले के लोग हैं, इसका इंपॉर्टेंस कम समझ के घूमने नहीं आते। लेकिन अगर हमें, सर मुझे एक बात बताइए, आप कोकण गए हैं, उसके बाद में बहुत जगह घूमे होंगे, जैसे यहाँ पर घूमने आए तो घूमने का जिसको शौक होता है वो घूमने जाता ही है, तो कुछ कमियाँ लग रही क्या इस प्लेस में कि मजा आ रहा है? बिल्कुल अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, मजा आ रहा है ना? अच्छा, तो यानी इस, हाँ, तो इस प्लेस का भी इम्पोर्टेंस बाकी जगह पर पहुंचना चाहिए। हाँ हाँ, जरूर पहुंचना बस, चाहिए। हाँ, तो वही काम हम अपने हमारे व्लॉग से कर रहे हैं सर, तो इसलिए बस आपने 2 मिनट का इंटरव्यू दिया, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।